गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स का फर्स्ट चैप्टर, पहला पार्ट। पहला पार्ट हमने शुरू कर दिया था और पहले पार्ट से कुछ शब्द कुछ हम पढ़ भी चुके हैं, दो पैराग्राफ। देखिए, सबसे पहले तो पहला पार्ट जो है उसमें क्या बताया गया है। मूल रूप से हमें जो सीखना है वो ये है, एतत् शब्द, एतत् शब्द। हालांकि ये सारी बातें मैं आपको पहले अच्छे से कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी चैप्टर पढ़ते से पहले एक बार ये जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, एतत् शब्द है तो इसका एक वचन तो होता है एषः। इसके लिए अलग से मैंने वीडियो भी बनाया था। एतौ, ये है द्विवचन। एतौ कहते ही आपके दिमाग में दो व्यक्ति या दो वस्तु आनी चाहिए, पुल्लिंग शब्दों के लिए तो। लेकिन कुछ शब्द हिंदी के जो होते हैं वो नपुंसकलिंग होने के कारण हिंदी में अनुवाद करते समय हम उनको नपुंसकलिंग की तरह, इसलिए मैंने आपको कहा व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, एषः, एतौ, एते, ये देखिए, ये है पुल्लिंग शब्द। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द। तो एषः, एषः वाला हम जो पैराग्राफ है वो पढ़ चुके हैं। फिर हम बात करेंगे तत् शब्द की, और तत् शब्द में हम क्या देख रहे थे? तत् शब्द में हम देख रहे थे कि सह एक वचन, सह कहते ही एक व्यक्ति, और वह इसका अर्थ होता है। तौ, तौ यानी दो व्यक्ति, और ते, ते यानी वे सब, अर्थात तीन या तीन से ज़्यादा। और इसमें भी हम सह वाला जो पैराग्राफ है वो पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने पढ़ा था एषः कः, यह कौन है या यह क्या है, अगर नपुंसकलिंग चीज हो। हालांकि चषकः शब्द, फिर से मैं बता दूँ, चषक शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करें तो गिलास, गिलास जो है, गिलास को हम पुल्लिंग नहीं बुलाते, हम इसको नपुंसकलिंग हिंदी में कहते हैं। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि यह क्या है। तो एषः चषकः, यह गिलास, गिलास है। कि एषः बृहत्, क्या ये बड़ा है? तो देखिए, चित्र में आपको दिखाई दे ही रहा है, न एषः लघुः, नहीं ये तो छोटा है। फिर हमने बात की सह वाला पैराग्राफ, सह कह, वह कौन, वह कौन है? तो सह शौचिकः, वह दर्जी है, दर्जी अर्थात कपड़े सिलने वाला। शौचिकः किम करोति, शौचिक जो है वो क्या कर रहा है या क्या करता है? किम सह खेलती, क्या वह खेलता है? तो देखिए, इस चित्र में देखिए आपको अभी क्या करते हुए दिखाया गया है, इसमें न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्रों की सिलाई करता है, वह कपड़े सिलता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और अब आगे। एतौ कौ, एतौ कौ, एतौ, एतौ कहते ही आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? दो व्यक्ति या वस्तु हैं। ठीक है, दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। तो एतौ और कह कौ के, देखो कह कौ और के। अब एतौ अगर द्विवचन है तो यहाँ इसके साथ में प्रश्न भी पूछा जाएगा, वो भी द्विवचन के शब्द से ही पूछा जाएगा। और एतौ पुल्लिंग है तो यहाँ भी हम पुल्लिंग शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो एतौ कौ, तो हमें जवाब क्या मिला कि ये दो, एतौ का मतलब होता है ये दो, ये दो कौन? एतौ शुनकौ स्तः। देखो, हमने एक शब्द धातु रूप पढ़ा था अस्त धातु, और इसके रूप चल रहे थे अस्ति, स्तः, संति, अस्ति, स्तः, संति। अब ये भी द्विवचन में आएगा, धातु रूप भी, धातु रूप जो है वो भी द्विवचन का ही आएगा। तो क्या आया है? स्तः। क्या सर यहाँ अस्ति लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एतौ द्विवचन का है, शुनकौ द्विवचन का है, तो इसके साथ में क्रिया जो आएगी वो भी द्विवचन की ही आएगी। तो एतौ शुनकौ स्तः, ये दो शुनक, शुनक यानी होता है कुत्ते, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं? गर्जना मतलब जैसे शेर जो है वो गर्जना करता है, दहाड़ लगाता है ना, तो कुत्ता भी इस प्रकार से दहाड़ लगाता है क्या? कोशिश तो करता है लेकिन दहाड़ नहीं होती। कुत्ते का बोलना उसे हम कहते हैं भौंकना, और भौंकने के लिए
बुक्कतः शब्द आया है यहाँ पर। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गर्जना करते हैं या गर्जते हैं? न एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। समझ में आया होगा आपको, ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। देखिए एतौ कौ का मतलब क्या होता है कि ये दो कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ दो तो लिखा हुआ है ही नहीं, लेकिन द्विवचन कहते ही हमारे दिमाग में दो व्यक्ति आ जाते हैं। तो एतौ शुनकौ, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं? न एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। कुत्ते का बोलना भौंकना कहलाता है, उसके लिए शब्द आया है बुक्कतः, ये शब्द आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये द्विवचन का चल रहा है पार्ट, तो पहले हमने यह वाला पढ़ा नजदीक के लिए, अब दूर। अब देखो ये यहाँ जो लिखा हुआ इससे थोड़ा दूर है, हालांकि समझाने के उद्देश्य से है, लेकिन दूर की वस्तुओं को हम वह कह करके पुकारते हैं। इंग्लिश में कहीं बात करें तो दैट का प्रयोग होता है, दैट या दीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और संस्कृत की बात करें तो तत् शब्द का, सह तौ ते, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तौ कौ, तौ तौ दो हैं, तौ यानी वे दो, तौ यानी वे दो, वे दो कौ, कौ यानी कौन, वे दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ यानी वे दो, वे दोनों कौन हैं? वे दोनों बलिवर्दौ, बलिवर्दौ का मतलब होता है बैल। हालांकि ये सारे शब्द हम लगभग लगभग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार शब्दार्थ रिवीजन के हिसाब से ही मान लीजिए आपको फिर से यहाँ बताए गए हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दो बैल हैं। वे दो कौन हैं? बैल। देखो यहाँ किसान है, वो दोनों तो बैल है उसके पास में, और इनसे किसान जो है वो हल खेत जो है वो जोत रहा है, हल चला रहा है। तो तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों, वे दो बैल हैं। वे कितने बैल हैं? वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? धाव धातु यानी दौड़ना, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों क्षेत्रम, क्षेत्रम का मतलब होता है खेत, और कर्षतः कर्षना, कर्षना अर्थात जोतना, कि वे दोनों खेत जोत रहे हैं। जोतना किसे कहते हैं वो तो आप जानते ही होंगे। किसान जो है बारिश की ऋतु में अथवा जब उसको फसल बोनी होती है उस समय वो क्या करता है, वो अपना जो खेत होता है उसको जोतता है। हालांकि आजकल ये परिपाटी तो लगभग लुप्त सी हो गई है, और इसी का कारण है कि बहुत सारे बैल जो हैं वो हमें सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। नहीं तो पहले बैल बहुत ज़्यादा उपयोगी थे, ऐसा नहीं है, आज भी उपयोगी है, लेकिन आजकल मनुष्य जो है वो कम मेहनत में कुछ ज़्यादा, और टेक्नोलॉजी दूसरी बात, कम मेहनत में ज़्यादा कमाना चाहता है। और टेक्नोलॉजी के कारण देखो आजकल इन बैलों का स्थान जो है वो ले लिया है ट्रैक्टर ने, और ट्रैक्टरों से जुताई होती है। तो एतौ कौ, ये दो, सॉरी वे दो कौन हैं, वे दो कौन हैं? तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दो बैल हैं। कितने बैल हैं? वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दो खेत जोतते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, चलिए आगे। वैसे मैंने जब शुरुआत की तब मैंने आपको बताया था कि लेसन पढ़ने में शायद इतना समय नहीं लगेगा, और इसका कारण यही है कि हम स्टार्टिंग में जो दो तीन वीडियो जो मैंने बनाए हैं उससे काफ़ी आपको फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आपने वो जो वीडियो है अच्छे से नहीं देखे हो तो उनको अवश्य देखिएगा, और वो जो स्टार्टिंग की जो तीन वीडियो हैं वो जीवनोपयोगी हैं। हालांकि ये सब पढ़ रहे हैं वो सब जीवनोपयोगी है, लेकिन फिर भी वो आपके संस्कृत में हर जगह काम आएगा। तो उन सारी चीज़ों को जैसे जैसे हम पढ़ते हैं उनको साथ साथ में आप समझते जाइए, अच्छे से समझने से आपको याद भी होते जाएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें याद करनी है, बाकी तो ज़्यादातर समझने का ही है इसमें। चलिए बात करते हैं आगे। एते के, एते एते यानी ये सब का मतलब है तीन या तीन से अधिक। एते के,
ये सब के यानी क्या है, बैग हैं हमें यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ बैग के बारे में तो हम क्या, क्योंकि हिंदी में नपुंसक लिंग शब्द होता है, एते के, तो ये सब क्या है। एते स्यूताहा संति, स्यूताहा, स्यूताहा का मतलब होता है थैला, थैला या बैग, ठीक है। एते के, एते स्यूताहा संति। अब देखो, अभी हमने बात की थी अस्ति एक वचन के लिए, स्तः द्विवचन के लिए, और अस्ति स्तः संति, संति आता है बहुवचन के लिए। देखो एते शब्द है, ये बहुवचन का है, एषः, एतौ और एते। अब देखिए यहाँ पर एते जो है इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ ही बैठता है, क्योंकि ये भी बहुवचन का और ये भी बहुवचन का। तो एते स्यूताः सन्ति, ये जो हैं ये क्या हैं, ये बैग हैं। किम एते हरितवर्णः, देखिए हमसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये हरे वर्ण के हैं, हरे रंग के हैं, इनका कलर हरा है क्या, ग्रीन कलर के हैं? नहीं, नहीं यानी नहीं। एते नीलवर्णः सन्ति, ये नीले रंग के हैं। ये बैग कौन से रंग के हैं, ये बैग जो है वो नीले रंग के हैं, ब्लू कलर के, और आपको कलर भी दिख रहा होगा, देखो ब्लू कलर है। तो एते के, देखो फिर से एक बार देखते हैं, एते के ये सब क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये थे सब थेले हैं। किम एते हरितवर्णः, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं। एते नीलवर्णः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। देखो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब लेसन जो है उसका लास्ट पार्ट, ते के, वे सब कौन हैं? अब देखो दूर हैं, दूर की व्यक्तियों के लिए हम ते का प्रयोग करते हैं, वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध हैं, वृद्ध का मतलब बूढ़े, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं या गाते हैं? नहीं। ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। देखो यहाँ इनके चेहरे पर स्माइलिंग है, स्माइलिंग फेस है इनका। तो एते ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध हैं, वे सब वृद्ध हैं, वृद्ध अर्थात बूढ़े व्यक्ति, तो वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं या गाते हैं? नहीं। ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं। देखो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को आप देखिए, और आपका जो होमवर्क है, वैसे देखो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये वाला पैसेज तो हम पढ़ चुके हैं और आगे वाला, ये वाला पैसेज भी हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो ये होमवर्क आपने कर लिया होगा। अभी जो है, अभी के लिए आपका होमवर्क ये है, यहाँ से लेकर के ये करना है, उसके बाद में ये वाला पेज, उसके बाद में फिर ये वाला पेज करना है, और फिर अंतिम पेज, ये आपका होमवर्क है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।